कहानी विद शोभा में आज मैं आप लोगों के सामने मालती जोशी जी की रहीमन धागा प्रेम का प्रस्तुत करने जा रही हूँ। रहीमन धागा प्रेम का। अचानक फोन पर योगिता की आवाज सुनकर वह चौंक गई। कहाँ से बोल रही है मोटी? यहीं से, और कहाँ से? कब आई? आज ही आई हूँ और कल चली जाऊंगी। बाकी जो पूछना हो यहीं आकर पूछना, प्लीज जल्दी से आ जा, साथ ही खाना खाएंगे, बहुत सी बातें करनी है। अंजुमन ही मन हंसती, बातें तो करनी ही होगी, मुझसे अच्छा श्रोता कहाँ मिलेगा। वहाँ ससुराल में तो सिर नीचा करके और होठ सीकर ही रहना पड़ा होगा। हनीमून के सारे किस्से मन में खदबदा रहे होंगे, या फिर पतिदेव के उसी दोस्त की सिफारिश करनी होगी जिससे शादी में मिलवाया था। अंजू को दोनों ही बातों में रुचि नहीं थी। दूसरों के हनीमून के किस्से चटकारे लेकर सुनने वालों में से वह नहीं है, ना ही उसे उनमें तो महोदय में ही कोई रुचि थी। अपनी शादी के बारे में तो उसने सोचना ही छोड़ दिया है। पापा को अकेले छोड़कर जाने की कल्पना भी वह नहीं कर सकती। इसीलिए तो उसने PhD की है। कम से कम थीसिस पूरी होने तक तो शादी की बात टाली ही जा सकती है। फिर भी योगिता से मिलने की उत्सुकता तो थी ही। कई बार बेंगलोर चली जाएगी तो फिर पता नहीं कब मिलना होगा। कह तो रही थी अब अपनी मर्जी से आना जाना थोड़े ही हो सकता है। एक दिन की ब्रेक जर्नी करनी थी, उसके लिए भी हाई कमान से परमिशन लेनी पड़ी। बेचारी योगी तैयार होकर बाहर निकली तो पापा हमेशा की तरह बरामदे में बैठे पेपर पढ़ रहे थे। पापा, मैं कॉलेज से सीधे योगिता के घर निकल जाऊंगी, आप लंच पर वेट ना कीजिएगा। ठीक है, पापा ने कहा। वह सीढ़ियाँ उतरती ही थी कि उन्होंने आवाज़ दी, तुमने अभी क्या कहा? योगिता के घर जाओगी? लेकिन वह तो ससुराल में है ना? ससुराल में थी, अब पति के साथ बेंगलोर जा रही है, एक रात के लिए ब्रेक जर्नी की है। ओके, पापा ने कहा और फिर अखबार में डूब गए। बेचारे पापा, दुनिया जहान की खबरें पढ़ते रहते हैं पर अपना घर कब खबर बन गया उन्हें पता ही नहीं चला। योगिता दरवाजे पर ही प्रतीक्षा करती मिली। अंजू को देखते ही गले लग गई। अंजू ने महसूस किया कि इन 3-4 हफ्तों में उसका वजन कम से कम 3 किलो बढ़ गया है। शादी के लिए बड़ी मुश्किल से दुबली हुई थी, अब जैसे सारी बाधाएं हट गई थी। मोटी, तू फिर अपनी पुरानी लाइन पर जा रही है? बी केयरफुल, चुप कर। मम्मी तो ऐसा कह रही थी कि आधी रह गई हूँ। मम्मी तो ऐसा कहेंगी ही, माँ को तो अपना बच्चा हमेशा दुबला पतला ही नजर आता है। पर तुम्हारे यहाँ आईना भी तो होगा, एक तो इतनी देर करके आई हो और आते ही भाषण शुरू। यहाँ भूख के मारे बुरा हाल हो रहा है, मेरा भी। तुम्हारा फोन आने के बाद तो मैंने नाश्ता भी नहीं किया, सोचा अपनी लाडली के लिए आंटी ने बढ़िया बढ़िया पकवान बनाए होंगे, पेट में जगह रखनी चाहिए। सचमुच योगिता की मम्मी ने खाने का लंबा चौड़ा इंतजाम किया हुआ था। लगता था उसकी सारी पसंदीदा चीजें बना डाली है, वे उसे ठूस ठूस कर खिला रही थी। आज अंजू की ओर उनका जरा भी ध्यान नहीं था। योगिता ही बीच बीच में उसकी प्लेट में जबरदस्ती कुछ न कुछ डाल रही थी। खाने के साथ साथ आंटी की कमेंट्री भी चल रही थी। मम्मी से मनुहार करवा कर खाने की आदत है ना, तभी तो वहाँ अध पेट उठ जाती होगी। वहाँ मनुहार करने के लिए कौन बैठा है? क्यों, मेरी सास नहीं है? इतनी अफेक्शनेट है। अरे रहने दे, मैं क्या नहीं जानती, सास और वह भी यूपी की, अफेक्शनेट है तो इतना सा मुँह क्यों निकल आया है? अब तुम्हारी बराबरी थोड़े ही कर सकती है। अंजू को यह सब देख सुनकर हंसी भी आ रही थी और ईर्ष्या भी हो रही थी, मन में टीस से उठ रही थी। कल को अगर वह ससुराल से लौटेगी तो उसका इतना लाड़ दुलार कौन करेगा? पापा तो शायद ठीक से कुशल छेम भी ना पूछ पाए। वे अपने को ठीक से व्यस्त ही नहीं कर पाते, उससे ज्यादा मुखर तो बिहारी का कहन। शायद वे ही उसे योगिता की मम्मी की तरह मनुहार करके खिलाएंगे, बेटी के दुबला होने को लेकर सास को कोसेंगे।
एक तो इतनी देर लगा कर आई है और अब मुंह में दही जमा कर बैठ गई हो, योगिता ने कहा तो अंजू चौंकी। सच तो यह है, कहाँ तो उनकी बातें थमने का नाम ही नहीं लेती थी और कहाँ अब उसे शब्द ढूंढने पड़ रहे हैं। खाना खाते समय भी वह गुमसुम बनी रही और अब कमरे में आकर भी चुप्पी साधे है। योगिता के कुरेदने पर चौंक कर बोली, इस कमरे की सज्जा थोड़ी बदल गई है ना? थोड़ी क्या, एकदम काया पलट हो गई है। आजकल मनीष ने सेहतिया लिया है, कहता है कब तक बड़े भैया के साथ लटका रहूँगा, कल को उनकी शादी हो जाएगी तो मुझे देश निकाला मिलना ही है। चलो अच्छा हुआ जो तुम्हारी शादी हो गई, नहीं तो बेचारे को बरामदे में गुजारा करना पड़ता। बाय द वे, तुम्हारे श्रीमान जी कहाँ हैं, नजर नहीं आ रहे हैं। वाह, बड़ी जल्दी याद आ गई तुम्हें। अरे याद तो तुम्हें देखते ही आ गई थी, पर मैंने सोचा कि मेरे डर से तुमने उन्हें कहीं छिपा दिया है। फिर सोचा कि मैं न सही, वे तो अपनी इकलौती साली से मिलने के लिए बेताब होंगे, अभी आ जाएंगे। पर जब नहीं आए तो पूछना ही पड़ा। तुम्हारे साथ आए तो है ना? आए तो है, पर जरा बड़े भैया के साथ मंडी दीप गए हैं। बाप ने इतनी दूर भेज दिया, मुझसे इतना डरती हो? अंजू अब मूड में आ गई थी। तुम्हारी वजह से नहीं, अपनी गरज से भेजा है। सोचो अगर यहीं कोई अच्छा सा जॉब मिल जाए तो इतनी दूर न जाना पड़े। आजकल दूरियां कहाँ रह गई हैं, रोज तो सुपर फास्ट ट्रेन जाती है, फिर बेंगलोर जैसी खूबसूरत जगह को छोड़कर मंडीदीप में रहोगी, पागल हो? मंडीदीप में क्यों, यहीं भोपाल में रहोगी? लाख खूबसूरत हो बेंगलोर, मैं मम्मी को छोड़कर इतनी दूर नहीं जा सकती। अभी भी मैं इतना रोती थी, पता है तभी तो इन्होंने ब्रेक जर्नी का आइडिया निकाला। इस पर भी घर में इतना हंगामा हुआ, मम्मी जी बोली एक दिन और हमारे पास रह लेना, ससुराल जाना क्या जरूरी है, मैं तुम्हें हवाई जहाज का टिकट करवा देती हूँ, 2 घंटे में सीधे बेंगलोर पहुँच जाना। इस पर पापा जी बोले, सचिन की माँ अब थोड़े में ही सब्र करना सीखो, अब उसकी छुट्टियों में ससुराल का भी हिस्सा हुआ करेगा। सच इतना गुस्सा आया था, उनका हक है योगिता, एक ही दिन में कैसे छोड़ देंगे, तो मैं भी एक ही दिन में अपनी मम्मी पापा को कैसे भूल जाऊं? अंजू चुप हो गई, वह जानती थी कि अधिकारों के लिए सास बहू में संघर्ष होता ही है, पर इतनी जल्दी? यह विषय बदलने की सोच ही रही थी कि एकाएक योगिता बोली, अंजू तुम्हें अपनी मम्मी की याद नहीं आती? अंजू ने तड़प कर उसकी ओर देखा, योगिता यह कैसा फूहड़पन कर रही है, क्या शादी के बाद उसका दिमाग घूम गया है? सॉरी मंजूर, मुझे यह प्रश्न नहीं करना चाहिए था, तुम जानती हो आज तक मैंने तुमसे इस बारे में कभी बात भी नहीं की, पर इन दिनों मैं अपनी मम्मी के लिए इतनी व्याकुल हो रही कि अनायास ही यह प्रश्न मन में उठा, क्या तुम्हें अपनी मम्मी की याद नहीं आती? आती क्यों नहीं, क्या कोई अपनी माँ को भूल सकता है? अंजू ने सपाट स्वर में कहा, पर हमारे घर में इस विषय पर बैन लगा हुआ है, पापा को उनका नाम तक सुनना बर्दाश्त नहीं, और मैं पापा को हर्ट नहीं करना चाहती, वे अपने हिस्से का काफी दुख अब पहले ही भोग चुके हैं। अच्छा अंजू, यह बताओ तुम क्या बिल्कुल अपनी माँ पर गई हो? अंजू चौंकी, फिर सूखी हंसी हंसकर बोली, किस संदर्भ में कह रही हो? किस संदर्भ मतलब? मेरी माँ के बहुत से संदर्भ है ना, इसीलिए पूछ लिया। पागल हो, मैं तो शक्ल सूरत के मामले में कह रही हूँ। हाँ, शक्ल सूरत में तो मैं उनकी कार्बन कॉपी हूँ, बस वो थोड़ी सी मोटी है, प्लम्प, लेजेंटली प्लम्प। उसे याद आया कविराज अक्सर कहा करते थे, और तब अंजू ने इस शब्द के लिए डिक्शनरी खंगाल दी थी, दोनों के अलग अलग अर्थ ही खोज पाई थी और उन्हें मिलाकर देखने से वितृष्णा सी हो आई थी। मोटी कहाँ है, योगिता कह रही थी, एकदम से सीख सलाई है, तुमसे भी दुबली, तुमने कहाँ देखा? अंजू आश्चर्य से भर उठी थी, यही सब बताने के लिए तो तुम्हें बुलाया है, इसीलिए तो मैं इन लोगों के साथ नहीं गई, ताकि आराम से बातें हो सके। आंखों में प्रश्न लिए अंजू बस उसे देखती रही,
शादी के बाद हम लोग हनीमून के लिए मसूरी गए थे, तुम्हें पता होगा। कमरा हम लोगों ने पहले से बुक किया हुआ था। होटल पहुंचकर ये जब तक शेष फॉर्मेलिटीज पूरी करते हुए मैं बैरी के साथ ऊपर चली गई। जैसे ही लिफ्ट रुकी मैं तो एकदम चौंक पड़ी, लगा कि बालकनी में तुम ही खड़ी हो। पास जाने पर उम्र का फर्क पता चल गया, फिर भी मैं मुड़ मुड़ कर उन्हें ही देखती रही। मेरी उत्सुकता देखकर बैरी ने बताया कि शाम को शहर में एक विराट कवि सम्मेलन है, बहुत सारे कवि बाहर से आए हैं, एक तो सपत्नीक इसी होटल में इसी फ्लोर पर रुके हुए हैं। कवि पत्नी भी कविता करती हैं। सारा वर्णन सुनकर ही मैं समझ गई कि ये तुम्हारी मम्मी होंगी। तुम्हें पता था? अंजू ने कांपते स्वर में पूछा। हाँ पता था, हालांकि तुमसे इस विषय पर कभी बात नहीं हुई, पर हम लोग सब जानते थे। तुम तो जानती हो ऐसी बातें छिपती नहीं है बल्कि उन्हीं पर लग जाते हैं। ये सारे किस्से तुमसे पहले शहर में दाखिल हो चुके होते हैं, तुमने कभी बताया नहीं। ये क्या बताने वाली बातें थी, ये तो जख्मों पर नमक छिड़कना ही होता। आज भी मैं मजबूरी में ही ऐसा बात उठा रही हूँ। तुमने माँ से बातें की? अंजू ने उत्सुकता से पूछा। मैं बेहद पशुपेश में थी, बात करने की इच्छा भी थी और हिम्मत भी नहीं पड़ रही थी। पता नहीं उन्हें कैसा लगेगा अगर वे मुझे गलत समझ लेते तो। सचिन जब ऊपर आए तो सबसे पहले मैंने उनसे यही बात कही। वे बोले, अगर तुम्हारा इतना मन है तो जरूर बात करो, यदि उन्हें अच्छा नहीं लगा तो वे लिफ्ट नहीं देंगे। फिर उसका बुरा मत मानना, पर अगर बिना मिले रह जाओगी तो तुम्हारे मन पर बराबर यह बोझ बना रहेगा कि काश बात करनी होती। तुम्हारे मियाँ तो बड़े समझदार निकले। He is a jamyard, योगिता गर्व से भर कर बोली। शाम को हम लोग तैयार होकर घूमने निकले। होटल में हर फ्लोर पर एक ओपन बालकनी थी जहाँ से आसमान का व्यू बड़ा अच्छा नजर आता था। सुविधा के लिए वहाँ कुर्सियाँ भी पड़ी हुई थी। पता नहीं क्या सोचकर हम लोग भी वहाँ जाकर बैठ गए। कुछ देर बाद कविराज अपने कमरे से निकले, भक्तों की एक टोली भी साथ थी, वे वहीं आकर विराज गए। मैंने उन्हें उनके कमरे के कारण पहचान लिया था, पर उनकी वेशभूषा भी उनकी पहचान परिचय दे रही थी। सिल्क का पजामा कुर्ता, लंबे घुंघराले बाल, पान से रंगे होंठ, इत्र फुलेल, गमकता हुआ। देवी जी तैयार हो रही हैं, तब तक यहीं बैठ लेते हैं, उन्होंने कहा। मैं समझ गई कि तुम्हारी मम्मी भी तैयार होकर यहीं आएंगी। मैंने सोचा परिचय के लिए यह मौका अच्छा है। अब सोचती हूँ वहाँ न रुकती तो अच्छा था। क्यों, क्या हुआ? करीब आधे घंटे बाद वे कमरे से निकली, नेवी ब्लू साड़ी जिस पर तार कशी का काम था, वैसे ही कामदार चूड़ियाँ गले में और कानों में कुंदन का सेट, इतनी सुंदर लग रही थी कि क्या बताऊँ। वहाँ उपस्थित सभी ने उनके रूप के सम्मोहन को अनुभव किया होगा, अलावा अम्बरीश जी के, क्योंकि वे उन्हें देखते ही एकदम दहाड़े। तुम्हें क्या लग रहा है, तुम किसी मुजरे में जा रही हो? उनका चेहरा फक हो गया। इतने लोगों के सामने अपमानित होने के कारण उनके आंसू निकल आए। फिर भी वे संयम भाव से बोली, क्या मतलब? मतलब भी समझाना पड़ेगा, जरा अपना हुलिया तो देखो, न मौके का ख्याल है न अपनी उम्र का, इसीलिए तो सब ला टपकाते चले आते हैं। साले कविता का क ख भी नहीं जानते और साहित्य चर्चा करने आ जाते हैं सब आँख सेकने के बहाने। यह क्या कह रहे हैं आप? ठीक कह रहा हूँ, जाइए साड़ी बदल कर आइए। दो पौड़ी की कविता पढ़ेंगी और साड़ी पहनेंगी 2000 की। इस नाटक के बाद हमारा वहाँ रुकना नामुमकिन ही था। चुपचाप वहाँ से खिसक लिए। सारी कहानी सुनकर अंजू एकदम स्तब्ध रह गई थी। चढ़ उसकी यह हालत देखकर योगिता ने क्षमा याचना के स्वर में कहा, सॉरी अंजू, मैं जानती थी यह सब सुनकर तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा, पर मुझसे रहा नहीं गया। आखिर अपनी माँ के बारे में तुम्हें पता होना चाहिए कि वह कहाँ है, किस हाल में है। तुमने बिल्कुल ठीक किया योगिता, कैसी भी सही 5 साल बाद मुझे माँ की कोई खबर तो मिली। दुख बस यही है
कि वे खुश नहीं हैं। हमने तो सोचा था कि उन्होंने अपना मन चाह पा लिया है, इतनी जल्दी मोह भंग हो जाएगा। यह नहीं सोचा था यदि अम्बरीश जी दिन रात माँ की सुंदरता के कसीदे पढ़ते थे, उसी ड्रेस सेंस की, रंगों के चुनाव की, केस विन्यास की तारीफ करते नहीं थकते थे। पर अब क्या हो गया, शायद वे डर गए हैं, उन्हें अपने पर भरोसा नहीं रहा। सुंदर पाले सहेजना सबके बस की बात नहीं होती। सुंदर स्त्री कई बार पुरुष को हीन भाव भी दे जाती है। वैसे एक बात उन्होंने बिल्कुल सच कही थी, माँ की कविता वाकई दो कौड़े की होती थी। उनकी तो बस दो चार पंक्तियाँ होती थी, बाकी सब कुछ अम्बरीश जी का होता था। माँ का सौंदर्य ही सभा में समा बांध देता था। लोग वहाँ वाह वाह करते थे और माँ बाग बाग हो जाती थी। पापा ने कई बार उन्हें इस खुशफहमी से उबारने की कोशिश की, पर माँ को यही लगता था कि पापा इस जेलस। घर लौटते समय अंजू बेहद उदास थी। सहेली के सामने वह किसी तरह कमजोर पड़ना नहीं चाहती थी, इसीलिए बड़ी मुश्किल से अपने को जब्त किए हुए थी। पर लग रहा था जैसे घर जाते ही वह रो पड़ेगी। अच्छा ही है जो पापा इस समय घर पर नहीं होंगे। पापा तो नहीं थे, पर बिहारी काका दरवाजे पर ही तंबाकू मलते हुए मिल गए। आदतन उन्होंने प्रश्नों की झड़ी लगा दी। बड़ी मुश्किल से उनसे पीछा छुड़ाकर वह कमरे में आई और दरवाजा बंद कर लिया। सबसे पहला काम उसने यह किया कि बिस्तर के नीचे रखी हुई एक पुरानी डायरी निकाली। उसके फ्लैप में उसने माँ की एक तस्वीर छिपा रखी थी। घर में बस यही एक मात्र तस्वीर रह गई थी, बाकी की सारी पता नहीं कहाँ गई। शादी के सालगिरह के, अंजू की सालगिरह के ढेर सारे एल्बम थे, उनका भी कहीं अता पता नहीं था। पापा ने या तो छिपा दिए थे या नष्ट कर दिए थे, पता नहीं। यह एक तस्वीर कैसे उसके हाथ लग गई थी जिसे उसने बेहद छिपा कर रख दिया था। अकेले में कई बार देखने का मन होता था, पर हर बार वी तृष्णा ही उस पर हावी हो जाती थी। आज वे अपने को रोक नहीं पाई। 7 साल पुरानी उस फोटो में माँ सौंदर्य और कमनीयता की प्रतिमूर्ति लग रही थी। कौन कह सकता था, उनकी आयु 33 वर्ष है और वह एक 15 वर्षीय बेटी की माँ है। हाँ, थोड़ी मोटी अवश्य थी, पर वह मोटापा भी उन पर फपता था, उन्हें गरिमा प्रदान करता था। अम्बरीश जी कहते, यू आर प्लेजेंटली प्लम्प। जब जब ये वाक्य सुनती, अंजू को झुरझुरी हो जाती। और योगिता बता रही थी कि माँ तो एकदम सीट सलाई हो रही हैं। क्या यह स्लिम रहने की कोशिश है या फिर माँ खुश नहीं है? ऐसी माहौल में कोई खुश रह भी कैसे सकता है? योगिता बता रही थी कि उन लोगों के झगड़े इतने आम हो गए हैं कि बैरे तक मजाक बना रहे थे। कहते थे कि बुढ़ऊ जवान जोरू ले आए हैं और अब डर के मारे जान निकली जा रही है। पर कविराज ऐसे बूढ़े तो नहीं थे, बल्कि माँ तो उनके सुदर्शन व्यक्तित्व पर ही रीझी थी। सुदर्शन व्यक्तित्व और लच्छेदार बातें एक भोली भाली महिला को रिझाने के लिए इतना काफी था। पता नहीं किस बुरे मुहूर्त में वे स्थानीय कॉलेज में स्थानांतरित होकर आए थे, और पता नहीं वह कौन सी फूफड़ी थी जब माँ ने एक कवि सम्मेलन में अपनी कविता पढ़ी थी। माँ उनकी कविताओं की दीवानी हो गई और वे माँ के सौंदर्य जाल में उलझ गए थे। परस्पर आशक्ति का यह दौर जो शुरू हुआ तो उसने जैसे थमने का नाम ही नहीं लिया। उस बेमौसम बरसात में माँ ऐसी भीगी कि घर परिवार समाज किसी का भी होश नहीं रहा। 2 साल तक पापा चुपचाप यह सब देखते रहे। आखिर उनकी सहनशीलता ने भी जवाब दे दिया। एक दिन उन्होंने कह ही डाला, सुमित्रा, अगर तुम इतना सुख बाहर ढूंढना चाहती हो तो खुशी से जा सकती हो, मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। पर इस घर में रहकर यह सब करोगी तो मुझसे सहन नहीं होगा। और माँ चली गई। पति के लिए न सही, पर बेटी के लिए भी उनका मन नहीं कांपा, पैर नहीं डगमगाए। प्यार अंधा होता है, यह तो सुना था, पर क्या संवेदन शून्य भी होता है? कितने ही दिनों तक अंजू माँ की याद में आंसू बहाती रही। फिर एक दिन
पापा ने साफ शब्दों में जता दिया कि इस घर में रोना धोना नहीं चलेगा। मैं अपनी शक्ति भर उन्हें सुख और आराम देने की कोशिश करता हूँ, पर जो अपनी मर्जी से चला गया है उसे लौटा कर ला नहीं सकता। अगर अकेले घर में तुम्हारा जी घबराता हो तो मैं तुम्हें हॉस्टल भेज सकता हूँ। इसके बाद अंजू ने अपने आंसू पोंछ दिए, कभी न रोने की कसम खा ली। उसे पता था कि अगर वह जरा भी कमजोर पड़ी तो पापा उसे सचमुच किसी हॉस्टल में डाल देंगे। इस सूने घर में पापा को नितांत अकेला छोड़कर जाने की कल्पना भी उसे असह्य लगी। तब से इस घर में माँ का नाम वैज्य है, वह विषय ही त्याज है, पर कोई अपनी माँ को कैसे भूल सकता है, खासकर जब वह दुखी हो। अंजू माँ की उस तस्वीर को बार बार देख रही थी, पूछ रही थी, माँ तुमने यह कैसा पागलपन कर डाला, अपनी सोने की सी गृहस्थी छोड़कर किस मृग तृष्णा के पीछे भागती चली गई तुम, तुम्हारे हाथ क्या आया, और अब तो लौटने के सारे रास्ते भी बंद हो गए हैं। रात खाने की मेज पर वह बेहद खामोश थी, उसका बस चलता तो खाने के लिए मना भी कर देती, पर तब पापा परेशान हो जाते, बिहारी का प्रश्नों की झड़ी लगा देते, इसीलिए वे चुपचाप आकर बैठ गईं। पापा योगिता के बारे में, उसके पति और उसके ससुराल के बारे में पूछ रहे थे, वे बस हाँ या ना में जवाब दे रहे थे। उसका मन मसूरी के उसी होटल में चक्कर काट रहा था जहाँ माँ का घोर अपमान हुआ था। अगर वह आदमी सार्वजनिक स्थान पर इतना अभद्र व्यवहार कर सकता है तो घर में पता नहीं क्या करता होगा, शायद मारपीट भी करता हो। अंजू कल्पना मात्र से ही सिहर उठी, उसके हाथ से पानी का गिलास छलक पड़ा। क्या बात है बेटे, पापा के प्रश्न से वे एकदम चौंक पड़ी। तुम बस पानी ही पिए जा रही हो, तबीयत तो ठीक है ना? तबीयत तो ठीक है पापा, दोपहर में योगिता के रहना जरा हैवी हो गया था ना, इसीलिए भूख नहीं है। सहेली के यहाँ माल डाल उड़ा के आई है बिटिया रानी, अब काका के हाथ की दाल रोटी कैसे अच्छी लगेगी। ऐसी बात नहीं है काका, बिहारी नुक्कड़ से जरा दो पान लगवा कर ले आओ। पापा ने बिहारी काका को आदेश दिया और उनके बाहर जाते ही बोले, अब बताओ क्या बात है, तुम मुझे धोखा नहीं दे सकती, यू आर नॉट योर ऑन सेल्फ टुडे। क्या तुम्हें ऐसा लग रहा है कि एक एक करके तुम्हारी सारी सहेलियों की शादी हो रही है और तुम अनब्याही बैठी हो, पापा को तुम्हारी कोई फिक्र ही नहीं है? क्या बात कर रहे हैं पापा, PhD करने का फैसला मेरा था, आपका नहीं। थीसिस पूरी किए बिना तो मैं शादी की बात सोच भी नहीं सकती। फिर क्या बात है, इतनी उदास क्यों हो, क्या सहेली से बिछड़ने का दुख है? पर इतना उदास तो तुमने उसकी शादी पर भी नहीं हुई थी, अब क्या हो गया? अंजू अवाक थी, पापा की नज़र क्या इतनी पैनी है? वह तो समझती थी कि पापा बस अपने काम में मशरूफ रहते, उन्हें दीन दुनिया की कोई खबर नहीं होती। कम ऑन माई चाइल्ड, टेल मी वॉट इज रॉन्ग। पापा ने उसका सिर थपथपा दिया। पापा का वह स्नेहिल स्वर और स्पर्श सारे बांध तोड़ गया। वह एकदम फपक कर रो पड़ी। पापा, माँ की बहुत याद आ रही है, सिसकती हुई कहा। वह सिसकियाँ थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। पता नहीं कितने दिनों की संचित रुलाई एकदम फूट पड़ी थी। पापा कुछ देर तक ठगी से उसे देखते रहे, फिर थाली छोड़कर चुपचाप उठ गए। वह बड़ी देर बाद प्रकृतिस्थ हो पाई। उसने देखा कि पान का पैकेट हाथ में लिए बिहारी काका उसे अपलग देख रहे हैं। उन्हें बोलने का मौका न देते हुए उसने कहा, पापा का पान मुझे दे दो, मैं उन्हें दे दूंगी। मुँह हाथ धोकर उसने पापा की तलाश की। वे टेलीविजन के सामने नहीं थे, लॉन में भी नहीं, वे सीधी छत पर पहुंच गए। पापा पीठ पर हाथ बांधे वहीं टहल रहे थे, चेहरा कसा हुआ था। वे उनके सामने जाकर खड़ी हो गई। आई एम सॉरी पापा। सॉरी फॉर वॉट? उनका स्वर आक्रामक था। ठीक तो है, सॉरी फॉर वॉट? सॉरी फॉर हर्टिंग यू पापा, मुझे मालूम है आप उस नाम से भी नफरत करते हैं। तो गलत करता हूँ? उनका स्वर कसैला था, मुँहें तनी हुई थी। क्या मुझे नफरत करने का भी अधिकार नहीं? वे छूट खाए सांप की तरह फुफकार रहे थे।
अंजू ने चुप रहने में ही खैरियत समझी। उसका मन वहां से खिसकने का हो रहा था, पर यह तो एक तरह से पापा का अपमान ही होता, क्योंकि उनकी बात अभी पूरी नहीं हुई थी। जिस औरत को मैं गाजे बाजे के साथ घर लाया था, अपनी शक्ति भर सुख सुविधाएं देकर, जिसे मैंने राजरानी की तरह रखा था, वह अगर मेरी इज्जत का कचरा करके एक फटीचर आदमी के साथ चली जाती है, तो उसके लिए मेरे मन में क्या श्रद्धा होनी चाहिए? जिसने मेरे घर को बर्बाद किया, मेरे बच्चे को अनाथ किया, उससे सिर्फ नफरत ही की जा सकती है। एक क्षण में मेरी सारी पद प्रतिष्ठा धूल में मिल गई थी। तुम बहुत छोटी थी, इसीलिए नहीं समझ पाओगी कि वह कैसी दर्दनाक और शर्मनाक स्थिति थी। मैं इतनी छोटी भी नहीं थी पापा, पूरे 16 साल की थी। मैं भी पास पड़ोस की काना फूसी से सहम जाती थी, सहेलियों की टिप्पणियों से तड़प जाती थी, रिश्तेदारों की तानाकशी से तिलमिला उठती थी। उस समय माँ पर इतनी कोफ्त होती थी, इतना गुस्सा आता था। अच्छा हुआ जो आपने यहाँ ट्रांसफ़र करा लिया, नहीं तो मैं बुआ के पास बनारस चली जाती। वहाँ रहना मेरे लिए नामुमकिन था। तुम्हारा गुस्सा बिल्कुल जायज़ था बेटे। जो लोग सिर्फ अपने लिए जीते हैं, अपने सुख के पीछे भागते हुए अपने प्रियजनों को दुखी करते हैं, उनके लिए सिर्फ नफरत ही उपजती है, गुस्सा ही आता है। पता नहीं माँ किस मृग जल के पीछे भाग रही थी, पर वह भी तो एक मृग जल ही साबित हुआ। क्या मतलब? शी इज नॉट हैप्पी पापा, हाउ डू यू नो? उनके स्वर में संदेह था। वे एकदम असहिष्णु हो उठे थे। अंजू का अपनी माँ से कोई संपर्क रहे यह उन्हें कतई मंजूर नहीं था। उन्होंने कड़क कर पूछा, तुम कैसे जानती हो कि वह खुश नहीं है? अंजू खड़े खड़े थक गई थी, इत्मीनान से मोड़े पर बैठ गई और उसने सारा किस्सा कह सुनाया। पापा उसी तरह धीरे धीरे टहलते हुए सुनते रहे। जब अंजू अपनी बात कर चुकी तो वे बोले, यह तो होना ही था, इस तरह के प्रेम की यही परिणति होती है। दो दिन में धुंध छट जाती है, नशा उतर जाता है और यथार्थ मुंह बाए सामने खड़ा हो जाता है। तुम्हारी माँ जिन सुख सुविधाओं की आदि है, वह फर्नीचर इंसान वह सब कहाँ जुटा पाएगा? वे ऐसे गए गुजरे भी नहीं है पापा, आजकल तो टीवी पर रेडियो पर छाए हुए हैं। मैंने तो इस वजह से कवि सम्मेलन सुनना ही छोड़ दिया है। मुझे मालूम है वे लोकप्रिय हैं, हर जगह बुलाए जाते हैं, पर इन कलाकारों की सारी कमाई अयाशी में खर्च हो जाती है। घर गृहस्थी के लिए कुछ नहीं बचता और दो वक्त की रोटी सिर्फ प्यार पर तो सेकी नहीं जा सकती। पापा कुछ लोग उम्र के साथ मैच्योर नहीं होते, अल्हड़ बने रहते हैं। माँ शायद उन्हीं लोगों में से हैं, पर पापा आप तो सब कुछ साफ साफ देख रहे थे, समझ रहे थे, फिर आपने माँ को रोका क्यों नहीं? आपके पास तो अधिकार था। तुम क्या सोचती हो? मैंने उसे रोकने की कोशिश नहीं की, पर मेरी कोशिशों ने उसे और दूर कर दिया। सच तो यह है कि उसने मुझे कभी संपूर्ण मन से चाहा ही नहीं। उसके मन का एक कोना हमेशा खाली रहा, कविराज उसी में आकर विराज हो गए और उन्होंने उसकी सारी दुनिया को व्याप लिया। उसके पास शब्दों का भंडार था, औरतों को रिझाने की कला थी, मेरे पास सब कुछ था, बस यही कलाकारी नहीं थी। मैं हार गया, फिर मैंने उसे जबरदस्ती अपने साथ बांधे नहीं रखा, आज़ाद कर दिया। लेकिन पापा और बेटे, आज भी तुम यह कैसे कह सकती हो कि वह दुखी है? क्या उसने किसी के पास शिकायत की है? शिकायत किससे करेंगी पापा, किस मुँह से? इसके बाद पापा ने घड़ी देखी और बोले, चलो नीचे चलो, ठंड हो रही है। मतलब यह कि इस विषय को यहीं विराम दो। पापा के लिए तो यह विषय उस दिन जैसे समाप्त ही हो गया, पर अंजू इतनी जल्दी उसे अपने मन से खारिज ना कर सकी। माँ अगर खुश होती, जैसा कि अब तक वह समझ रही थी, तो उसे कोई परवाह नहीं की। उसने तो माँ को अपने मन से, अपनी जिंदगी से निकाल ही फेंका था, पर योगिता से मिलने के बाद उसका मन, उसकी सोच बदल गई थी। माँ के लिए पुराना प्यार उमड़ आया था। वह रोज रात को माँ की तस्वीर से
रास्ता बनाती हुई गाड़ी एक बड़ी सी इमारत के सामने रुक गई। सौजन्य या शोहाद ऐसा ही कुछ नाम था। चौकीदार से चाबियां लेकर पापा सीढ़ियों पर चढ़ने लगे। लिफ्ट शायद अभी लगी नहीं थी। चार मंजिल चढ़ने के बाद पापा एक दरवाजे के सामने रुके। कुछ ही क्षणों में वह एक नए नकोर फ्लैट में खड़ी थी। छोटा सा हॉल, एक बेडरूम, अटैच टॉयलेट, छोटा सा किचन और आगे पीछे छोटी छोटी दो बालकनियां। कैसा लगा? क्या हम लोग इसे ले रहे हैं? ले लिया, पर यह कुछ छोटा नहीं है, एक व्यक्ति के लिए काफ़ी है। पापा, अगर आप सोच रहे हैं कि जल्दी मुझसे पीछा छुड़ा लेंगे तो आप गलत सोच रहे हैं। मैं अभी 10-20 साल शादी करने के मूड में नहीं हूँ। मैं आपके साथ आपके घर में रहूँगी, इसीलिए यह घर हमारे लिए बहुत छोटा है। प्लीज़ कोई दूसरा बड़ा सा देखिए। तुम शादी भी करोगी और मेरे घर में ही रहोगी, उसके लिए मैं आजकल एक बड़ा सा घर और एक बड़ा सा घर जमाई खोज रहा हूँ। रही इस घर की, तो यह तुम्हारी माँ के लिए है। वे जब चाहें यहाँ शिफ्ट हो सकती हैं। शर्त एक ही है, कविराज इस घर में नहीं आएंगे और तुम्हारी माँ के बाद इस घर पर तुम्हारा अधिकार होगा। अंजू का मन कृतज्ञता से भर उठा। वह तो सोच रही थी कि पापा ने वह बात अपने मन से निकाल ही दी है, बट पापा इज ग्रेट। उसने पुलकित स्वर में पूछा, तो पापा आपने माँ को माफ़ कर दिया? इसमें माफ करने का सवाल कहाँ आता है? अग्नि को साक्षी मानकर चार भले आदमियों के सामने मैंने उसका हाथ थामा था, उसके सुख दुख का जिम्मा लिया। जब उसने अपना सुख बाहर तलाशना चाहा, मैंने उसे मनचाही आज़ादी दे दी। अब तुम कह रही हो कि वह दुखी है, तो उसके लौटने का मार्ग भी प्रशस्त कर दिया। उसके भरण पोषण का भार मुझ पर था, गुजारा भत्ता तो दे ही रहा हूँ, अब सिर्फ यह छत भी दे दी। अंजू का मन एकदम बुझ गया। तो पापा, आप यह सिर्फ कर्तव्य बोध से कर रहे हैं, यही समझ लो। उससे भी कड़वा सच यह है कि यह सब मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। मुझे मालूम है इन दिनों तुम अपनी माँ के लिए बहुत दुखी हो, चिंतित हो। मैं केवल तुम्हारे मन का यह बोझ हटाना चाहता था। इतना सारा तनाव झेलने की तुम्हारी उम्र नहीं है। नाउ रिलैक्स, यह तुम्हारा घर है और ये घर की चाबियां हैं, कागजात घर पर रखे हैं। अब यह तुम पर है कि तुम कैसे और कब अपनी माँ को सूचित करती हो। बस मेरी शर्त याद रहे, और इससे पहले कि अंजू कुछ समझती कुछ कह पाती, पापा ने पलट कर सीढ़ियाँ उतरना शुरू कर दिया।